यहाँ पर थ्री टर्म दे रखे हैं, देखिए हमने कि पूरे ऑर्डर में है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है ना कोई आइडेंटिटी हो रही है, तो हम मिड टर्म को फैक्टर करना शुरू करेंगे। थ्री और यहाँ पर माइनस फोर का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए माइनस का 12, और एड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या चाहिए, क्योंकि बीच वाले टर्म के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हम 1 समझते हैं, तो हमें माइनस का 1 चाहिए। ठीक है, हम 12 का फैक्टर कर लेते हैं। 12 का फैक्टर किसमें किसमें आएगा, सबसे पहले ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 6 12 होता है, बट 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने से हमारा 1 नहीं आना है, क्योंकि हमें माइनस का 1 चाहिए एड या सब्ट्रैक्ट करने पे। फिर हम 3 में चेक कर लेते हैं, 3 के टेबल में भी 3 4 12, और यहाँ पर जब 4 से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी 1 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास फैक्टर यही है, ये हमारा फैक्टर सही है, ये फैक्टर हमारा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। फिर 3 4 यहाँ पर क्योंकि हमें माइनस 12 चाहिए, तो एक वैल्यू हम माइनस में रखेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर हमें माइनस की ही वैल्यू चाहिए, तो बड़ी वैल्यू को हम माइनस ले लेंगे और छोटी वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे। तो ये है आपके फैक्टर के, 3x² माइनस कॉपी किया, यहाँ पर 4 लिखा, ये माइनस का हो जाएगा 4, और प्लस का 3 लेना है, और बीच वाले टर्म के साथ x एज अ वेरिएबल यूज हुआ था, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया माइनस का 4। 4 टर्म्स हो गए, दो दो का पेयर कर लेंगे हम, तो यहाँ पे देखा क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर x कॉमन हो रहा है, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 3 और एक x की वैल्यू अंदर रह जाएगी, माइनस 4 और x हम कॉमन बाहर ले चुके हैं, प्लस यहाँ पे देखा तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे एज अ कॉमन, तो जब 1 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में एज इट इज जैसा टर्म है वैसा ही सेम रहेगा वो, यहां से 3x माइनस 4 कॉमन हुआ, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, सिंस द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस x माइनस 4 इज 0 इफ द जीरोज इज 3x माइनस 4 और x प्लस 1, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे आपके, जब हम इसके जीरो निकालेंगे, इसको जीरो के इक्वल में लिखेंगे, तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो जीरो आपके आएंगे, ये 4 आपका जीरो के उधर ट्रांसपोज होकर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 जो एक्स के साथ था वो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर 4/3 होगा, दूसरा आपका जीरो आएगा यहाँ पर माइनस का 1। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज 4/3 प्लस, और यहाँ पर 1 करेंगे बट माइनस का 1, और जो ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 यहाँ पर हम नीचे 1 इसका डिनोमिनेटर ऐसा लेट कर लेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, 3 1 3 1 टाइम्स ऊपर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 से 3 3 टाइम्स जाता है तो इसके ऊपर 3 का मल्टीप्लाई 3 आएगा, वैल्यू आएगी आपकी 1/3। अब क्योंकि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, या कह सकते हैं कि माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स इज एक्स और अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखते हैं कि क्या ये बी की वैल्यू है, तो यहां पर देखते हैं कि एक्स का कोफिशियंट यहां पर 1 है और वहां पे भी 1 आ रहा है, तो हमें ऊपर नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखें माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक करेंगे, जीरोस है हमारे 4/3 और माइनस का 1, इसका हमें प्रोडक्ट करना है, तो वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 4/3, इसका फॉर्मूला इसके आगे लिखेंगे कॉन्स्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसको चेक भी कर लेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या कांस्टेंट की जगह माइनस 4 है, तो हाँ ये दे रखा है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है, तो यहाँ पे ये कंपेयर भी एकदम सही हो रहा है हमारा। तो ये है आपके ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के फिनिश होते हैं।
इसी तरह से आपको जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको उसके जीरोस पूछता है तो आपको उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है फैक्टर करके। फिर अगर उसका कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन पूछता है तो हमें इसी तरह से जो हमने जीरोस निकाले हैं उनका सम ऑफ जीरोस करेंगे और उनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे और उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो हमारी दी गई पॉलिनोमियल जो है उसके अकॉर्डिंग अगर वो उसको सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब जो हमने जीरोस निकाले हैं वो सही है और ये उसको सेटिस्फाई कर रही है।